मैं आ जाऊं? अब आ ही गई हो तो बोलो, क्या तकलीफ है? वो मेरा फोन नहीं मिल रहा था, हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं तुम्हारे मोबाइल की? नहीं, मेरा मतलब था कि कि मेरे पास तो नहीं है? नहीं आंटी, मेरा ये मतलब नहीं तो था। फिर क्या मतलब था तुम्हारा? मेरा मतलब था किसी ने आपको ना पकड़ा दिया हो, या आपने कहीं देखा। देखो, अपनी ऊटपटांग बातों से मेरा बीबी मत हाय करो। जारा से पूछ लें। क्यों, तुम जाके जारा से पूछ लो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है। जैसे तुम मुझसे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, उससे भी पूछ लो जाके। वो बुरा ना मान जाए। ओ आई सी, उसके बुरा मनाने का बड़ा डर है तुम्हें। मुझसे तो मुंह फाड़ के तुमने पूछ लिया। अब जाओ, जा जा के अनवर से बात करो। जी। आपका फोन, मिल गया। अच्छा, आपके लिए लैंडलाइन पर फोन आया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ताबीर बेटा, मैं कब से तुम्हारे मोबाइल पे फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन ऑफ आ रहा है। वही ढूंढ रही हूँ मम्मी, पता नहीं कहाँ रख दिया है। अच्छा, बेटा बाकी तो सब खैरियत है ना? सब ठीक ठाक है मम्मी, मैं अपना फोन ढूंढ के आपको फोन करती हूँ। अरे बेटा बात तो सुनो। फोन रख कर कहीं भूल गई थी, इसलिए हमें ऑफ मिल रहा था। हम ऐसे ही परेशान हो रहे थे। बंद कर दिया। अम्मी से बात कर रही थी, खैरियत पूछ रही थी। बाद में क्या बात करोगी? अभी मैं परेशान थी तो मैंने कहा बाद में बात करूंगी। मुझे देख के परेशान हो गई थी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, मैं अपने फोन की वजह से परेशान थी। ये रहा तुम्हारा फोन। शुक्र है मिल गया, मैं इसे चार्ज कर लूं। अब ये चार्ज नहीं होगा, क्योंकि अब ये मेरे पास रहेगा। तुम्हें अगर बात करना होगी ना, तो लैंडलाइन से बात करोगी, और वो भी मेरे सामने। मगर अगर मगर कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया सो कह दिया। कभी अजनबी लगे जिंदगी, सभी रिश्ते वहमों घुमा लगे। कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी मंजिलें भी धुआं लगे। मिट जाए धीरे जो तू कर दे इशारा, दे तुझको सदाए। ये थानेदार को हो क्या गया है? मेरे घर में ऐसा क्या हुआ कि इसका रवैया ही तब्दील हो गया? क्या किसी ने इसे कुछ बोला है? नहीं, कोई और बात होगी। अहमद साहब, चाय पी लें।
शुक्रिया। अच्छा ये बताएं कि आप मेरे घर गए थे इमरान साहब के साथ? नहीं, खैरियत तो है? जी बस ऐसे ही। अहमद साहब, खाना मंगाऊं आपके लिए? नहीं शुक्रिया, अभी भूख नहीं है। आप इतने परेशान क्यों हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई यहां आकर खुश रह सकता है? नहीं नहीं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, पर बंदे पर बड़े मौसम आते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बहार, कभी खिजा। ठीक है, कोई काम होगा तो मुझे बुलवा लीजिएगा, आपकी मुलाकात आई है। मेरी मुलाकात? कौन? बबरे ने लेके आए। अच्छा जी, बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करवाता हूँ। नहीं नहीं थैंक यू, मैं अपने घर से बाहर कुछ नहीं खाती। चलें, बोतल मंगवा देता हूँ। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू, बस मुझे मेरे बेटे से 5 मिनट बात कर लेने दें। ठीक है, बैठो, बैठ जाओ। पांच मिनट क्या, आप जब तक चाहें इससे बात करें। थैंक यू। मामा, मुझे क्या हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था अम्मा मुझे माफ कर दे आप। आपकी तबीयत कैसी है मामा? कैसे ठीक हो सकती है, एक बेटा डेथ बेड पे और दूसरा हवालात में बंद, एक माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी? कुछ नहीं होगा फहद को, आप प्लीज परेशान मत हो, बहुत जल्द आपका ये बेटा बाहर आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, ये सब कैसे हुआ? पुलिस क्या कहती है? बयान लिया है मेरा इन लोगों ने, मुझे कोर्ट में पेश करेंगे और शायद आपका भी बयान लें। मैं तो अपने बयान में कह चुकी हूँ कि मेरा बेटा बेकसूर है, और गोली तो दूर की बात, उसने तो कभी किसी को गुस्से में थप्पड़ भी नहीं मारा। आपसे यही उम्मीद थी मामा,